नमस्कार, लाइव सिटीज के एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित सावन का महीना चल रहा है। इस महीने का लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं। हिंदू धर्म में सावन सोमवार का विशेष महत्व है। सावन के महीने में अनेक व्रत त्योहार आते हैं। यह शिवजी का पवित्र महीना होता है। इस महीने में लोग शिवजी की पूजा करते हैं, कई प्रमुख तिथियों पर व्रत करते हैं ताकि महादेव उनके कष्ट को दूर करे और उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। इस दिन साधक सोमवार का व्रत करता है और सभी चीजों का पालन करता है ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो सके। साधक पूरे तन मन से भगवान शिव की उपासना करता है। सावन के महीने में शिव की पूजा करने का लाख गुना अधिक फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। साथ ही उन्हें जीवन में सुख एवं समृद्धि की प्राप्ति होती है। शिव पूजन और रुद्राभिषेक का भी विशेष महत्व होता है, इसलिए शिव जी का पूजन करना चाहिए। इस महीने शिव को प्रसन्न करने के लिए लोग व्रत करते हैं और व्रत कर पूजा करने के साथ साथ कुछ कामों को करना भी वर्जित बताया गया है। साथ ही सावन के महीने के लिए धर्म शास्त्रों में कई नियम भी बताए गए हैं। ये नियम भोजन, रहन सहन, पूजा पाठ आदि से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा कुछ और नियम भी बताए गए हैं जिसका पालन करना बहुत जरूरी होता है। इस महीने खान पान की कई चीजों का त्याग करना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही जरूरी है कि आप दाढ़ी बाल ना कटवाएं। दाढ़ी बाल ना कटाने के नियम को पालन करना भी बेहद जरूरी है। ऐसे में सावन के महीने में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। सावन में नाखून काटना और शरीर पर तेल मालिश करने के लिए भी मना किया गया है। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से ग्रह दोष लगते हैं। सावन महीने में भगवान शिव को कच्चा दूध और दही अर्पित करने का बड़ा महत्व है। साथ ही कहा जाता है कि सावन महीने में लोगों को कच्चा दूध, दही, शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, सावन में दही से बनी चीजें जैसे कढ़ी का भी सेवन करने की मनाही की गई है। इसी तरह सावन महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां, बैंगन, मूली, गोभी आदि खाने की भी मनाही की गई है। भगवान शिव को प्रकृति से बेहद प्रेम है, इसलिए सावन महीने में साग सब्जियां नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो बरसात के मौसम में हमारा पाचन तंत्र संवेदनशील हो जाता है। साथ ही इस समय में सब्जियों में कीड़े लग जलने लगते हैं, इसलिए ऐसी दूषित सब्जियां खाने से बीमारी हो सकती है। बरसात के मौसम में फल, छोले, राजमा, दाल आदि बेहतर होता है। सावन में सात्विक भोजन करना ही उचित रहता है। सावन का पवित्र महीना तपस्या और शक्ति का महीना है, इसलिए जीवन में विलासिता वाली चीजें से दूर रहना चाहिए। इस महीने तामसिक भोजन से दूर रहें और शिव जी को जल जरूर चढ़ाएं। घर में रुद्राभिषेक भी जरूर कराएं जिससे आपके घर पर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।